केंद्र सरकार की सेना बहाली की अग्निपथ योजना के खिलाफ सोमवार 20 जून को भारत बंद का झरिया शहर में मिला जुला असर देखने को मिला। बंद को कई पार्टियों का समर्थन प्राप्त है। सोमवार 11:30 बजे तक कोई प्रदर्शनकारी या राजनीतिक दल सड़क पर नहीं दिखे। सड़क पर वाहन कम चल रहे थे, जबकि जरूरी काम वालों को छोड़कर आम लोग भी प्रायः घर में ही दुबके रहे। दुकानें भी खुली रहीं। सरकारी गैर सरकारी स्कूलों को बंद रखने की घोषणा पहले ही कर दी गई है। बंदी को लेकर झरिया के विभिन्न चौक चौराहों पर पुलिस के जवान मुस्तैद दिखे। भारत बंद को लेकर जेएमएम नेता अमित साहू ने बताया कि झरिया में बंदी का कोई असर नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं इस बंदी का समर्थन कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना से छात्र आक्रोशित हैं, सरकार को इस योजना को जल्द से जल्द वापस ले लेना चाहिए। बंदी है बेकाब की बंदी, बेहुदा वाली बंदी है। ये असामाजिक तत्वों ने इस तरह के उपद्रव करके पूरा देश को अस्त व्यस्त कर दिया। हम लोग के सामने इतना अच्छा प्रधानमंत्री प्रेजेंट में है जो इसका कोई वर्णन नहीं है। और ये जो भी ये बंदी है, जो भी ये अग्निवीर जो कानून जो आया है स्कीम, ये बहुत सराहनीय स्कीम है। इसके लिए बहुत प्रशंसा लायक है। और जो हमारे जो बेरोजगार जो लोग हैं, युवा लोग, उसके लिए बहुत ही अच्छा स्कीम है। ये जो हमारे जो देश में राष्ट्रीय संपत्ति को जो नुकसान पहुंचाया है, ये बहुत ही ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो हमारा संपत्ति है। आने वाले दिन में उसका भरपाई हम ही आम जनता को करना पड़ेगा। ये बेहुदा लोग जो असामाजिक तत्व लोग हैं, विरोधी लोग हैं, ऐसे लोग जो है इस तरह का तांडव बच्चे लोग से करवाते हैं, युवा लोग से करवाते हैं, और बाद में उसका भुगतना हम आम जनता को करना पड़ता है। ये तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं 4 नंबर टैक्सी स्टैंड में रहता हूँ। मेरा नाम संतोष कुमार केसरी है। बंदी का असर तो झरिया में नहीं दिख रहा है, लेकिन हम बंद का समर्थन करते हैं। ये जो अग्निपथ जो देश में इस तरह का जो माहौल पैदा हो रहा है, सिर्फ सेंट्रल सरकार के द्वारा इस तरह का जो अनाउंस हुआ है कि सेना भर्ती करेंगे, 4 साल का नौकरी करेंगे, उसके बाद रिटायरमेंट देंगे, इसमें युवाओं में बवाल मचा हुआ है और पूरे देश में तबाही का रूप लिया हुआ है। और हम इस बंदी का समर्थन करते हैं और सरकार को इस पर सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि इस तरह का माहौल पैदा करके पूरे देश की स्थिति को बिगाड़ दिए हैं। और दूसरी चीज़ है कि बच्चे लोग का एग्ज़ाम भी चल रहा है अभी, उसके वजह से एग्ज़ाम भी कैंसिल हो गया, ट्रेन कैंसिल हो रहा है। बहुत सा मरीज को जिनको बाहर जाना है इलाज करवाने के लिए, वो नहीं जा पा रहे हैं। इलाज के कारण आदमी का मौत हो रहा है। ये सरासर गलत है। इसमें सरकार को विचार करना चाहिए और इसमें कोई रास्ता निकालना चाहिए। आपने कहा कि जो नियम लागू किया गलत है, युवाओं को जो तोड़ फोड़ अग्नि सब कितना सही है? तोड़ फोड़ अग्नि ये तो ये गलत है ही है ही। इसका विरोध प्रदर्शन का और भी रास्ता है। इस तरह से तोड़ फोड़ ट्रेन को नुकसान करना, सरकारी चीज़ को नुकसान करना, ये गलत है। विरोध प्रदर्शन करने का तरीका बहुत होता है, उस तरह से प्रदर्शन करना चाहिए ताकि आम जनता को या सरकार को क्षति ना हो और विरोध भी हो और काम भी हो। क्या नाम है आपका? अमित साहू, केंद्रीय सदस्य, झारखंड मुक्ति मोर्चा।